तो क्या हालचाल है? आज क्या करेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कि ये होता है कि सिमेंटिक टैग के बारे में तो नहीं बताया। अच्छा, सिमेंटिक टैग के बारे में बोल देता हूँ अभी। तो जो कि सिमेंटिक टैग होता है, सिमेंटिक टैग क्या होता है कि मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखा देता हूँ क्या है। मैं आपको जो कि विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, बेसिकली मैं मेरा जो स्क्रीन है उसको छोटा कर देता हूँ, अभी आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, इसको छोटा कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं अभी एक नया फाइल ओपन कर रहा हूँ जो कि सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल। तो सिमेंटिक.html बना दिया, तो मैं एक एमेट एब्रीवेशन दे दिया, मतलब सॉरी, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया। उसके बाद जो कि एमेट एब्रीवेशन मेरे पास अभी है, एक पावर है कि कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बॉयलर प्लेट मेरे पास आ जाएगा, खुद ही चल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि मजा कर रहा था। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो कि यहाँ पर सिमेंटिक टैग यूज़ करूँगा, सिमेंटिक, मैं अगर मैं सिमेंटिक लिख देता हूँ जो कि हाँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक आपको दिखा देता हूँ कि क्रोम ब्राउजर ओपन करके सिमेंटिक टैग क्या होता है बेसिकली। देखो, मैं सिमेंटिक टैग यूज़ कर रहा हूँ, सिमेंटिक टैग, ये देखो आ गया सिमेंटिक टैग, अभी मुझे मिल जाएगा। ये देखो, सिमेंटिक टैग क्या होता है कि सिमेंटिक मतलब खुद का बारे में बोलना, ठीक है। तो खुद का बारे में बोलना, जो भी खुद का बारे में बोलता है कुछ, मतलब आप अपने बारे में कुछ बोल देता है तो उसको सिमेंटिंग बोलते हैं। जिसको जो खुद का बारे में हाइड कर देता है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका नाम, मतलब सुन के कुछ भी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो उसको असिमेंटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो हेडर है, हेडर मतलब क्या है, जो कि हेडर टैग है वो बोल रहा है, मतलब वो हर टाइम ऊपर रहेगा। हेडर है ना, वो हेड है ना, तो इसलिए वो हर टाइम ऊपर रहेगा। और जो कि नैप बार क्या है, देखो नैप बार क्या है, जो कि ये नेविगेशन, जो कि नेविगेशन के लिए होता है, ठीक है। तो जो कि फुटर क्या है, मतलब फुटर जो है वो हर टाइम नीचे रहेगा, वो खुद ही बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं नीचे रहूँगा, मतलब जो सुन के आपको पता चल जाएगा, जो फुटर है नीचे रहेगा, जो कि हेडर है ऊपर रहेगा, जो नेविगेशन बार है वो नेविगेशन बार है, ठीक है। वो जो कि सेक्शन है, यहाँ पर सेक्शन आएगा, सेक्शन मतलब सेक्शन आएगा, साइड आएगा, ये देखो ऐसे वो खुद के बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। बट जो कि और कुछ टैग होता है जो खुद के बारे में नहीं बोलते हैं, ऐसे जैसे कि डिब हो गया, वो खुद के बारे में कुछ, मतलब देखो नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, देखो मतलब ये कुछ खुद के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं उस, मतलब आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो पी जो एक टैग होता है, ये देखो पी जो टैग होता है, इसके अंदर हेलो लिख रहा हूँ, तो ये जो हेलो, तो यहाँ पर हेलो लिख दिया, तो क्या हुआ कि वो ये खुद के बारे में कुछ बोल रहा है। देखो मतलब ये जो टैग है, तो हेलो तो आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मुझे प्रोग्राम मिल गया है, यहाँ पर प्रोग्राम है, मतलब ये मतलब सॉरी, एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, इसलिए पी लिख दिया, पी मतलब एक पैराग्राफ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और एक लिखूँगा, सेक्शन लिख दूँगा, नहीं तो हाँ सेक्शन लिख दूँगा, यहाँ पर नहीं तो सीक्वेंस यूज करूँगा, सीक्वेंस यूज करूँगा, नहीं तो सेक्शन यूज कर रहा हूँ। सेक्शन टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ भी इसके अंदर लिखूँगा, जैसे कि हेलो, उसके बाद और एक हेलो यूज करूँगा, हेलो, नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ पर एंटर दबाऊँगा, हेलो, इसके बाद नीचे लिखूँगा हेलो, क्या हेलो हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो सेक्शन टैग के अंदर ये ओपन कर रहा हूँ, ये देखो आ गया, इसे आ गया। अगर मैं इसके अंदर समरी लिखूँगा, तो अगर इस जो कि सेक्शन टैग है, तो ऐसे ही होता है, मतलब अगर इसके अंदर मैं समरी कर दूँगा, ये देखो, तो यहाँ पर समरी यूज करूँगा, समरी, इससे जो कि सेक्शन टैग है, तो इसके अंदर मैं और एक स्पेस देके यहाँ पर समरी लिख रहा हूँ,
समरी, ये देखो समरी अभी आ गया, तो अभी मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद ये जो इतना पार्ट है, मैं इतना जो पार्ट है मैं इसको नीचे ले आ रहा हूँ, यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया अभी नीचे, ये देखो समरी समरी आ गया। अब इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी देखो क्या होगा, ये देखो मतलब ये देखो मतलब ये जो समरी है, ये सेक्शन है, ये खुद के बारे में कुछ बोल रहा है। मतलब जो कि डीप टैग होता है वो खुद के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। जो कि डीप अभी लिखूँगा, तो ये जो डीप टैग होता है, डीप स्वराज, अगर डीप स्वराज लिख दूंगा तो वो जो डीप टैग होता है वो क्या होता है, वो कहाँ पर होता है, तो वो खुद के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। जो खुद के बारे में बोलता है उसको, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो खुद के बारे में बोलता है तो उसको सिमेंटिक टैग बोलते हैं, और जो खुद के बारे में कुछ नहीं बोलता है, मतलब उसको देख के कोई नहीं बता सकता है कि वो कहाँ पर रहेगा। जैसे कि हम जहाँ पर उसको कॉल करेंगे, डीप कॉल करके, अगर अगर CSS के मदद से मैं उसको ऊपर रख सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, जहाँ पर भी कर सकता हूँ, जो कि डीप यूज कर सकता हूँ, तो जो कि यूज करके बेसिकली डीप डीप यूज करके के मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। बट ऐसे मतलब गुड मतलब इसको यूज कर ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो CSS जब पढ़ाऊंगा तो इसका जो मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मैं अभी जो वीडियो बना रहा था कि इसी क्लास में, तो क्या हुआ कि सिमेंटिक टैग क्या होता है और असिमेंटिक टैग क्या होता है। जो कि सिमेंटिक टैग होता है कि मतलब जो खुद के बारे में बोलता है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर में बता दिया कि यहाँ पर जो कि सिमेंटिक टैग होता है, ऐसे ऐसे दिखाई देता है आपको सिमेंटिक टैग जो होता है। तो यहाँ पर इमेजेस में जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये देखो सिमेंटिक टैग होता है ऐसे, जो कि हेडर रहेगा, नैप जो टैग होता है सिमेंटिक टैग होता है, साइड मतलब साइड में रहेगा, जो कि फुटर, जो कि मतलब ये सिमेंटिक टैग होता है, और बहुत सारा, जैसे कि स्पेन एक टैग होता है, स्पेन का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि स्पेन होता है। तो ऐसे बहुत सारा डीब एक होता है, डीब स्पेन ऐसा, ये सब मतलब असिमेटिक होता है, असिमेटिक होता है, ठीक है। और मैं खोज रहा हूँ कि एक सीक्वेंस समरी कुछ एक नया यूज करूँगा अभी, ऑप्शन यहाँ पर एक यूज करूँगा, ये तो हो गया समरी तो यूज कर दिया, जो कि डिटेल एक काम करता हूँ, नया टैग यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर एक डिटेल डिटेल एक टैग होता है, एक डिटेल डिटेल, ये देखो डिटेल, ये डिटेल टैग यूज करूँगा। तो ये देखना स्वराज लिखूँगा इसके अंदर, स्वराज, इसके अंदर स्वराज लिख दिया, तो ये तो हो गया। अभी डिटेल टैग के अंदर देखूँगा क्या होगा, ये जो डिटेल टैग, ये देखो डिटेल डिटेल अभी देखो कैसे दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर जो भी मतलब डिटेल मतलब ये ऐसे ऐसे, ये खुद के बारे में बोल रहा है ये डिटेल, अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी, जैसे कि इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पर पी लिख दूंगा तो इसके अंदर लॉरेम लिखूंगा, लॉरेम LORM, लॉरेम 200, अगर लिख दूंगा ऐसे 200, मुझे एमएट एब्रिवेशन ने अभी बोल रहा है कि 200 वर्ड अभी वो एंटर कर देगा इसके अंदर। इसको टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, तो अभी ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको फिर से सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ये देखो डिटेल में अभी दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो सब कुछ आ गया, ये देखो। अगर ऐसे हाइड कर सकता हूँ, ऐसे ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिटेल है, इसको ढूंढ रहा था, ठीक है, ये तो मिल गया। और भी बहुत सारा होता है ऐसे, तो अभी तक वीडियो अभी अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आगे भी ऐसे चलेगा। तो अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।